हाथ जोड़ विनती करूं, देवों के सरताज भव बाधा सब दूर हो, रिद्धि सिद्धि गणराज। नमस्कार दोस्तों, आज हम पौष मास की संकष्टी चतुर्थी तिथि की व्रत कथा का श्रवण करेंगे, जिसको सुनने मात्र से विघ्नों और मुसीबतों का हरण होता है। चतुर्थी तिथि गणेश जी को समर्पित होती है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी का अर्थ होता है संकटों से मुक्ति। तो गणपति जी तो संकटों का नाश करते ही हैं, यह तो सर्वविदित है ही। वहीं शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी कहते हैं। इस दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए उपवास रखा जाता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति के दुखों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए व्रत कथा को सच्चे मन से सुनते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, पौष में तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, उसे आप संक्षेप में बतलाइए। श्री गणेश जी ने कहा, हे माता, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशिनी होती है। उसमें मेरे लंबोदर नामक स्वरूप की पूजा करके सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दुग्ध निर्मित खीर में शुद्ध घी मिलाकर गणपति मंत्र से हवन करें तो वह शासक को भी अपने वशीभूत कर सकता है। और इस संबंध में हम आपको एक प्राचीन कथा सुनाते हैं। इस प्रकार गणपति जी पार्वती जी को कथा सुनाने लगे। एक बार रावण ने सभी देवताओं को जीतकर अंधकार के मद में चूर होकर संध्या कर रहे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। बलशाली बाली ने उल्टा रावण को ही अपनी कांख में दबा लिया और आकाश मार्ग से होते हुए किष्किंधापुरी में आ गया और उस बंदी रावण को अपने पुत्र अंगद के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांधकर बालक अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी हालत देखकर सभी नगरवासियों ने उसकी बहुत हंसी उड़ाई। जनता कहने लगी, अरे देखो तो सही, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। इसकी ऐसी हालत देखकर बहुत आनंद मिल रहा है। किष्किंधा वासियों की ऐसी बातों से रावण बहुत लज्जित होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसका दर्प चूर चूर हो गया। उसने अपने दादा पुलत्स्य मुनि का स्मरण किया। अपने पोते की दीन पुकार से मुनि पुलत्स्य को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे पोते की ऐसी दशा क्यों हुई। अत्यंत गर्व करने से देव दानव मनुष्य आदि सभी का पतन अवश्यंभावी होता है। रावण के पास जाकर मुनि पुलत्स्य ने पूछा, बेटा तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने कहा, हे दादाजी, देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए वानर राज बाली को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा पकड़ा गया। मुझे उसने यहाँ लाकर गले में रस्सी बांधकर अपने बेटे को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देखकर किष्किंधावासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, इसी चिंता में मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। हे नाथ, अब मैं क्या करूँ। मेरे जैसा आपके वंश में दूसरा कोई पुलकलंकी नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलत्स्य जी ने कहा, हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के द्वारा उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों ही होगी।
हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मानकर संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में वृत्तासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप इंद्र ने इस व्रत को किया था, अतः तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो, शीघ्र ही तुम्हारा कलेश दूर होगा। इस प्रकार आदेश देकर ब्रह्म ऋषि वन में चले गए और इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे माता, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपना राज्य करने लगा। इसी तरह भगवान कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को कहा था कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से युद्ध में समस्त शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की बात सुनकर युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को उन्हें प्राप्त कर लिया। हे गणेश भगवान, आपने जैसे रावण और युधिष्ठिर जी के दुख दूर किए, वैसे कथा सुनने वाले और कहने वाले के भी सभी दुखों का नाश करना। तो दोस्तों, यदि आपको कथा सुनकर दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई है तो कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें और सुख पाएं।